गाइस कहा था ना मैंने कि इस वीकेंड पे काम हो जाएगा जो 2 साल से नहीं हुआ था। ये देखो लग गए अमित जी काम करने के लिए। अमित का प्लान है कि इसको ना व्हाइट पेंट कर दें और व्हाइट पेंट ले भी आए हैं ये। बट मैं कह रही हूँ रहने दो यार, 2-4 महीने तो ऐसे रहने दो, अच्छा लग रहा है। कितने लोगों ने लिखा है अमित कि आइसोलेशन में ये अच्छा लग रहा है। एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के बाद दोबारा करोगे? देखूंगा मूड बना तो, नहीं तो 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। भाई ऐसा है, हम लोग ये वाले कलर का पेंट तो अभी नहीं लेकर आए। ये वाला कलर का पेंट अच्छे से करने के लिए ना ये पूरा रिमूव करना पड़ेगा, अभी इतना टाइम नहीं है ये करने का। तो अभी सिर्फ ये प्लान है कि इसको हमें थोड़ा सा बेटर कर देंगे, जो भी हल्का फुल्का फेदर हो रहा है। ये जो ऊपर लग गया था मैंने टेप लगा के नहीं किया था, वो पूरा व्हाइट में दोबारा कर देंगे। वैसे अमित कह रहे थे मैं ये पूरा ब्लू नहीं करूंगा, मैं व्हाइट कर रहा हूँ। इसको ब्लू छोड़ दो कुछ देर के लिए, 2-4 इंस्टाग्राम रील बन जाए, बैकग्राउंड यूज हो जाए, ये इस कलर का फिर चेंज कर देंगे। फिर चाहे व्हाइट करना चाहे ब्लू करना, जो करना हो करना। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? दोपहर के बजे 12 और अब हम लोग उठकर आए हैं क्योंकि आज का दिन काफी बिजी भी है, एक्साइटिंग भी है और हो सकता है आज रात को सोने को भी ना मिले, बिकॉज आज हमारे घर पे पूल पार्टी एंड पॉटलक पार्टी और लॉन्ग वीकेंड है। मतलब आज पार्टी बहुत लंबी चलेगी, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है सबकी। सिविक हॉलीडे, वैसे तो कनाडा में स्टार्ट हॉलीडे नहीं है, अगर सबको मिलती है तो, जो भी आ रहे हैं सबकी छुट्टी है। बहुत सारा काम करना है, सफाई कल कर ली थी लेकिन फिर भी पॉटलक है तो खाने की 2-3 चीजें मैंने बनानी है और बाहर का सब कुछ सेट करना है, पूल वूल का थोड़ा सा काम करना है। तो काम शुरू करते हैं, दिन शुरू करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज मैं यहाँ शराफत के साथ बाहर खड़े होकर काम कर रहा था और शिल्पा ने मुझे पूरा भिगो दिया। ये देखो पौधों को पानी दे रही थी, सारा पानी मेरे ऊपर दे दिया। मतलब मैंने ग्रीन कपड़े पहने हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पौधा हूँ, बट बदले बदला जो है ना वो तो लेना ही था। मैंने क्या किया, मैंने ये किया है, मेरे को पूल पे धक्का दे दिया। ये तो मेरे को तैरना आता है, नहीं होता तो मैं डूब जाती, मर जाती मैं। अच्छा 4 फीट में मर जाती तुम डूब के? हैं कितने में से 3.5 फुट की हो ना तुम? अमित गलत बात है, पूल में धक्का नहीं मारते होते लोगों को। अपने पति को पौधा समझ के पानी देते हैं? और अगर अब मैंने अपनी टांग खींच के आपको खींच लिया अभी तो। अच्छा इतना दम है, चलो ट्राई कर लेते आज की तरह। मैं अंदर चलता हूँ, मैं अंदर चलता हूँ, बाय। होली थी? हाँ होली मना ली हमने आज। वही तो कह रही हूँ, होली थी तभी शुरुआत हो गई। तो ये लो, कमाल कर दिया आपने। कमाल तुमने करी थी शिल्पा, शुरुआत तुमने करी थी, शुरुआत तुम्हारी थी। गाइस पॉटलक के लिए हमारी 2 डिशेस रेडी हो गई है। एक तो इडली सांबर बनाया है, सांबर मम्मी ने बनाया है, इडली में बना रही हूँ। और एक हमने बनाया चिकपी फेटा कुकुम्बर सैलेड, लुक देखो कैसा आ रहा है। और अभी से मैं ड्रेसिंग डाल रही हूँ, ड्रेसिंग डाल रही हूँ मैं इसमें, हनी लेमन और ऑलिव ऑयल की मिक्स। ये लो सांबर भी देख लो। या सांबर भी देख लो भाई, तो सांबर में है घिया, तुअर की दाल, बाकी मसाले। हाँ और मम्मा का सांबर तो वैसे ही बड़ा फेमस है, मतलब तो मेरे और शिल्पा के बीच में बड़ा फेमस है। हाँ, खाके देखेंगे जैसे उनको लगा। तो चलो भाई जब तक मैं नहा कर आऊंगी मेरी 12 इडली तो एटलीस्ट रेडी हो जाएगी, 24 ही बनानी है। 24 से काम चल जाएगा यार, वो कितना कुछ है, मेरे को तो लग रहा है लोग एक एक ही खाएंगे, 12 से भी काम चल जाएगा, बट फिर भी मैं बना के रख दूंगी। कितना कुछ है, बिरयानी भी है, पनीर भुर्जी, मटर कुलचा, पास्ता, गोलगप्पे और पाव भाजी, पाव भाजी, कितना कुछ है यार सोचो। और मैं कर रहा हूँ सबके लिए स्नैक्स की तैयारी, तो डोरिटोस विद द डिप। रेडी? आप तो कह रहे थे व्हाइट सूट पहन रहे हो। चलो जी गाइस हमारा रूह अफजा भी रेडी हो गया है, मेरी फेवरेट ड्रिंक, आई थिंक कोई आ भी गया, अभी बेल बजी है। और हमारे फ्रेंड भी रेडी हो गया।
Okay, so Amy is running because she wanted to open the door. Let's see who has come. Oh, Amrita, Aviraj, and Jagjeet. Hello. First one to come. But three people. Hi. Welcome. With the costume and everything. मनीषा का फोन आया, हम लोग 4:30 बजे पहुंच जाएंगे। मैंने तो बहुत बड़ी है, वो भी कहीं नहीं पूछी है। गाइस पार्टी शुरू हो चुकी है भाई, वैसे 4 लोग 5 लोग लेट आ रहे हैं। दिनेश मानसी पहुंच रहे हैं 6:30 बजे, 5 बजे की पार्टी में। और डोल पर राहुल पहुंच रहे हैं 7 बजे, बट चलो उनको एक्सक्यूज कर देते हैं बिकॉज उन्होंने पहले ही बताया था कि वो 7 बजे आएंगे, वो कहीं सत्संग अटेंड करके आ रहे हैं। बट बाकी लोग आ गए हैं। हम लोग सबसे पहले शुरुआत किससे कर रहे हैं खाने की, बताए मम्मा का फेवरेट क्या है? गोलगप्पे। मम्मा ना गोलगप्पे एक बार देख ले तो उसके बाद रुक नहीं सकते हैं। अविराज लेकर आइए इतने टेस्टी गोलगप्पे, तो पॉट लग के पहले आइटम गोलगप्पे शुरू करते हैं खाना। और उसके बाद ये देखो यहाँ पर कितना कुछ पड़ा हुआ है। ये है पनीर भुर्जी। अरे यार लंच आ तो लोगों को वो इना का कमेंट आया था, कह रही तेरी पार्टी देख कर ना मेरा इतना मन ललचा आ जाता है। ये देखो पास्ता और गोलगप्पे भाग खाते और वो सैलेड भी है। ठीक है चलो, वो डब्बे का है भाई, वो हमारे बोल्स का है। नो आइडिया। ये देना मार्कर। आपने ऑलरेडी पी लिया? देखो भाई मम्मा तो शुरू कर चुके हैं अपना काम। मम्मी कह रही मैं तो अपना हाथ में लेकर बैठी हुई हूँ। पार्टी स्टार्ट हो गई है पर अभी मेरा पेट नहीं भर है, हमें सुना ही नहीं रहा। I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there. No, ये ना मेरा। चिट चैट चल पाया आपका नाम। Damn. I'm a long way home. चलो भाई लाओ अपने अपने बोल दो, नाम लिखवा लो। अभी अमित के ऑफिस वालों की पार्टी थी ना, 2 बजे की पार्टी थी। 2 बजे ये 1 बजे तैयार होकर गई थी। मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं जाऊँ क्या? मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं जाऊँ क्या? मैंने बोला पहले गेस्ट तो आने दे। हाँ। जैसे ही पहले गेस्ट आए उनको बोलती मैं पूल में जाऊँ। आज कैसे रुकी हुई बेस्ट पैशन फ्रेंड फॉरएवर भाई पूरे कैनेडा के ना बेस्ट गोलगप्पे हमारे घर पे मिलते हैं जब अविराज लेकर आती है। भैया मेरे 2 ही हूँ अभी। $2 में इतने आते हैं। ये स्लो मोशन में आएगा। Oh no, mama got a she got love sir. Bitch chugging this smile yes. चलो जी पार्टी की शुरुआत करो एमी। जंप इन द पूल। तो गाइस पूल में जाने के लिए हम सारे रेडी हैं। अब मैं चेंज करके आ चुकी हूँ, मनीषा चेंज करके आ चुकी है, अमित तो हमेशा रेडी हो, वो हमारी वो जो छुटकी है वो तो पूल में जा ही चुकी है। आज मैं पूल में जाने के लिए पूरी एक्साइटेड हूँ बिकॉज हो सकता है ये हमारी आखिरी पूल पार्टी हो। हम लोगों ने एंड ऑफ दिस मंथ निकलना है US के लिए, उससे पहले हम लोग पूल बंद करा के जाएंगे, तो जब वापस आएंगे तो पूल होगा ही नहीं। आगे वाले सारे वीकेंड बिजी हैं तो पूल में जाने का टाइम मिलेगा नहीं, तो जितनी कसर इस साल की रहेगी है ना वो सारी आज निकालनी है हमने। यो चलो आ जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हेलो हेलो, ऐसे नहीं जाते होते हैं, ऐसे नहीं जाते होते हैं, वहां पे जाते होते हैं। चलो एक चला गया, 1 डाउन। आओ अविराज जाओ भाई। हाँ मनीषा ने बताया था कि अभिषेक को धक्का मारना पड़ेगा, ऐसा है ये। गुड जॉब। ये देखो मम्मी ऐसे पानी में खेलेंगे। अंदर नहीं आ रहे हैं बट सबको भिगोएंगे मम्मी। ये देखो भाई मम्मा भी जा रहे हैं।
कैसा था इसने बोला अगली डिश हमारी खुल गई है पास्ता और बरार्स की बिरयानी कुक्ड बाय मी बरार्स बिरयानी कुक्ड बाय दिनेश जी बरार्स बिरयानी कुक्ड बाय दिनेश जी है ना मेन शेफ ऑफ बरार हाँ ये लगता है मुझे बरार की रॉयल्टी है सारी चीजें बरार से आती है इनकी और ये देख लो बप्पी लहरी बनकर आए हुए आज शिल्पा ने ना एमी से पूछा पास्ता कैसा था एमी कहती पास्ता 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 की शेफ है भाई अमृता Guys, now it's my time to jump in the pool from the slide. और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बिना लाइफ जैकेट के नहीं अमित नहीं तुमको एमी के वास्ता बाहर और नहीं ऐसे नहीं तुमने नहीं बट मुझे जाना होगा हमारे ब्लॉग का क्या होगा अमित शिल्पा जी कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप फिर बाहर आके गिरो आ जाओ आ जाओ जंजीर बचाएगा नहीं तो अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों हां जी पहले पैसों को अपने वतन को संभालना वो टकला वॉश हो गया अब सुनो मेरी बात ऐसे ही होता है ऊपर से कूद के भी आज आपने हिस्ट्री बना दी क्यों लग रहा है पूरा स्लाइड लेके आ जाओगे आप नीचे स्लाइड हिल गई वो आप छप गए बचा लिया भाई नाम बताओ मैं ही बच गया बच गया धनो भी बच गई गायब माहौल बन चुका है सीक्वेंस का भाई आज हमने इन सबको सीक्वेंस सिखा दिया सबने पहली बार खेली है मामा श्री पो बारा पहली बार खेली है पहली बार खेली है मानसी पहली बार खेली है राहुल आपने पहली बार खेली है और भाई पहली बार में ही सफाया कर दिया गया है भाई हम एक खेल चुके हैं पहली बार खेल चुके हैं अभी दूसरी गेम चल रही है पहली गेम में और गेम चल रही है बॉय वर्सेस गर्ल्स बताना जरूर पहली गेम में कौन जीता यार लड़कियां जीती है लड़कियां जीती है खुदा से डरे अरे शिव पार्वती से डरे अरे शिव पार्वती ने अरे जिस तरह 2011 में धोनी ने छक्का मारा था ना वैसे राहुल ने छक्का मारा आखिरी बॉल थी और शिल्पा जी ने बोला था सात बार लड़कियां जीती थी सात बार बोला दो तीन घंटे तो मिनिमम लगेंगे एक घंटे की नहीं नहीं हाँ तो मैंने नहीं नहीं मैंने एक घंटे की गेम बोली थी
मानसी जी ने तो थैंक्स बोल बोल के मेरा थैंक यू नहीं नहीं मैंने एक घंटे गेम बोली थी, एक घंटा चलिए बॉय फॉर फिफ्थ गर्ल्स चल रहे, तीन टीम से नहीं चार टीम से है ना, मतलब चार गर्ल्स चार बॉयज, दो टीम है चार बंदे, हाँ टीम्स दो है और आठ बंदे खेल रहे हैं, चार एक तरफ चार एक तरफ है ना। मानसी जी चौका ले चौका, और मानसी के साथ एक और साथ में सपोर्टर है मम्मी एक्स्ट्रा में खेल रही है मम्मी जी, अपने टाइम की पुराने खिलाड़ी उस टाइम वो कैसीनो नहीं थे, नहीं तो मम्मा ने तो नहीं तो ऐसा भाई झूठ क्यों बोले, पहले गेम हो चुके हैं और उसमें बॉयज जीत चुके हैं, बॉयज गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, दूसरी गेम भी बॉयज की आ रही है, देखो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है ऐसे मुझको जीने में। नहीं भाई हम लोग ना बेस्ट ऑफ थ्री देखेंगे तो अब, लेकिन अगर ये वाली गेम बॉयज जीत गए फिर हमारा कोई चांस नहीं है, फिर ये वाली गेम बॉयज जीत गए आप हमें रसमलाई खाते हुए देखेंगे तो रसमलाई तो वैसे भी खिला दूंगी मैं, पर ले पहले जीत चुके कुछ तो एक बार मुंह तो मीठा करा दे, चलो ठीक है पहले रसमलाई चलेगी, अरे ठंडा ठंडा कुछ पत्ते, चलो डोलमा भी ब्रेक ले रही है अभी, ठंडी ठंडी केसर वाली रसमलाई कुछ मीठा हो जाए, जीत की खुशी अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, बाजू में जस्ट देख लिया मैंने, हारने वाले को थोड़ी मिलनी चाहिए क्या बात है गाइस, बोर्ड का करंट सेटअप ये है, अभी गेम शुरू हुई है, ग्रीन वाले हमें ब्लू वाले ये बॉयज हैं, ओ माय गॉड मैन इन ब्लू मैन इन ब्लू, अब ये लोग फंस चुके हैं काल सर्प रोग के रोग में, काल सर्प रोग के दोष में इनको अब कोई नहीं बचा सकता, माची जल चुका है आग भी लग जाएगी दो मिनट, नहीं भाई मानसी बहुत लकी है उसके पास सारे अच्छे पत्ते हैं, मानसी से ले लकी उसके पास मैं हूं, इसलिए वो लकी है, 8 पे रख दो कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर के बाद फेटअप दिखाती हूँ, पत्ता होता ना अमित जी निकाल दो वही वाला पत्ता, पत्ता मिल ही नहीं रहा है ही नहीं यहाँ पे, नहीं यार फिर से वही है ही नहीं, नो सही में नहीं है, ढूंढ के दिखा दो है यहाँ पे, दोबारा क्या बोला था 7-0 सात सात बार हम जीते थे अब दो दो बार हम हार चुके हैं, शट अप टॉट मारते जा रहे यार अपने अपने घर चले यार, गाइस मैंने इनको ने कहानी सुनाई थी, कहानी नहीं रियलिटी सुनाई थी, कहानी खुली एक्सेप्ट कर ली गलती से, अब शिल्पा जी अगली बार जिनको ये सीक्वेंस सिखाना चाहेंगी उनको एक और नई कहानी सिखाएंगी मैंने बताया था कि एक बार हम बॉय फॉर फिफ्थ गर्ल्स खेले थे, हमारे फ्रेंड्स थे ऑस्ट्रेलिया से, अब ऑस्ट्रेलिया चले गए तरुण और इंदर, तो हम लोगों ने उस टाइम खेला था, तो बॉयज की टीम 7 बार लगातार हारी थी, लगातार हारी थी, 8वीं बार जीते थे वो, गलत लोगों को बता दिया मैंने, इतने ताने जब भी मैं गेम हारती मुझे लगता था कि मैं गेम अभी हारने वाले, तो मैं रोते नहीं थे आप बिल्कुल है ना, एक ट्रिक था अभी चला के माफी दो माफी नहीं चाहते कि भाई इतनी जल्दी खुशी नहीं मनाते इनको एक रसमलाई खिलाता हूँ ये छुट्टी किस पर कोई वाला होता है ये हो क्या रहा है इस वाले स्पॉट में 3 क्लब पे मैंने डोलमा ने रखा हमारे 4 बन गए बस एक रखकर बन जाती तो राहुल ने रिमूव कर दिया फिर मैंने यहाँ पे रखा बिकॉज आपके वो रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर कार्ड होना चाहिए रखने के लिए यही कार्ड होना चाहिए डोलमा के पास यही कार्ड था उसे रखा राहुल ने रिमूव कर दिया मेरे पास यही कार्ड था मैंने रखा दिनेश ने रिमूव कर दिया आपको मेरे प्यार की सौगंध सात बार लड़कियां कितनी सात गिनते कैसे मासी जी एक कहानी और बन गई है 7 बार मासी थैंक यू दो बार राहुल और अमित
यार दिस इज टू मच यार, दिस इज टू मच यार, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। तो फ्रीक्वेंस में जबरदस्त हारने के बाद मानसी दिनेश गए 1:30 बजे अपने घर और हम सबने मूवी देखना शुरू कर दिया। और ये देखो अमित यहाँ पे मूवी में भी सो रहे थे, जैसे एडिटिंग में हमेशा सो जाते हैं, मानेंगे नहीं कभी, लेकिन सही में सो रहे थे। आई कॉट हिम स्लीपिंग यार। गाइस डिड यू नॉट आंसर माय रिडल, वाज इट टू डिफिकल्ट, बट एट लीस्ट यू कुड हैव आंसर्ड योर गेस। I don't care if it's wrong. At least it is better than nobody commenting. Nobody answered my riddle. Do you want unfiltered Amy? Then answer my riddle. I'm really sad nobody did.